खबर रीवा से है, जहां जिले के जनपद पंचायत जवा में आजाद अध्यापक शिक्षक संघ जवा एवं गुरुजी संयुक्त मोर्चा जवा के तत्वाधान में मध्य प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष भरत पटेल के आह्वान पर प्रांतीय उपाध्यक्ष राजेश सिंह एवं जवा ब्लॉक अध्यक्ष प्रमोद चतुर्वेदी ने नेतृत्व में जनपद पंचायत प्रांगण में जवा में अपनी मांगों को लेकर तीसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रखा। धरने की मुख्य मांगों में लोकायुक्त के नाम पर लंबित रखे गए अध्यापकों का संविलियन, अध्यापक संवर्ग को पुरानी पेंशन लागू कराने, लंबित क्रमोन्नति के आदेश जारी कराने, पदोन्नति समय मान, मृत अध्यापकों के परिजनों की लंबित अनुकंपा नियुक्ति आदि शामिल है। उक्त मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आजाद अध्यापक संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि हमारे मांगों का निराकरण शीघ्र कराए जाने की मांग की है। साथ ही कहा कि यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो तहसील जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर पर शिक्षक संघ आंदोलन कर भूख हड़ताल किया जाएगा। धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में अध्यापकों ने धरना प्रदर्शन कर मांगों का शीघ्र निराकरण करने की सरकार से मांग की है। आप धरना आपके कब से चालू है, कब से आप धरने बैठे हैं? यहाँ जवा ब्लॉक में वैसे तो पूरे मध्य प्रदेश में 13 तारीख से चालू है, लेकिन जवा ब्लॉक में हमारे 16 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल चालू। क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं कि हमारा संविलियन लोकायुक्त प्रकरण लिखकर नहीं किया जा रहा है, वो संविलियन किया जाए, गुरुजियों को नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता दी जाए, क्रमोन्नति के आदेश अभी लंबित हैं उनको जारी किया जाए, साथ ही हमारे बुढ़ापे की लाठी हमारी पेंशन पुरानी पेंशन हम सब लोगों को बहाल की जाए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सर मालती। धरने पे आज क्यों बैठे हैं आप? धरने पे इसलिए बैठे हैं सर कि हम लोगों की पुरानी पेंशन बुढ़ापे का सहारा और जो सहायक अध्यापक हैं उनका लोकायुक्त प्रकरण हर बेर हम लोगों को बैठक करते हैं। अभी भूख हड़ताल मई में भी किए थे, लेकिन कोई उसको आश्वासन दे करके बोले चुनाव है, लेकिन चुनाव में आप लोगों का कोई इसमें वो नहीं दिया जाएगा। फिर भी आप लोगों को जब जाएंगे तो आपको जून में आदेश दे करके भेजेंगे सम्मेलन के, लेकिन कुछ भी नहीं मिला है। इसलिए हम धरने में बैठे हैं। अगर हम लोगों की मांग नहीं पूरी होती है तो हम लोग फिर से अमरण अनशन बैठेंगे और जब तक बैठे रहेंगे जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं हो जाएगी। सर, माननीय मुख्यमंत्री से आपकी क्या मांगे हैं? हम लोगों की यही मांगे हैं कि हम लोगों को पुरानी पेंशन दें और जो सहायक अध्यापक हैं इनका लोकायुक्त प्रकरण और संविलियन जो हैं इनका नियुक्ति से संविलियन हो।